खबर मंत्र में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं कुछ नया और कुछ बेहतर। आप लोगों का प्यार प्यार मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आप लोगों को इतना प्यार मिला है कि बहुत अच्छा हमें लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मज़ा कब आता है जब अपने सब्सक्राइबरों का प्यार मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। तो आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वह बेहतरीन और सबसे बढ़िया तरीका नया लेके आए हैं, जिससे आप कोई भी भूत प्रेत जिनको जला सकते हैं और उनका जलाने का तरीका बताएंगे आज, और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है आज उसके बारे में बताएंगे। किसी ने सम्मोहन के बारे में पूछा है, सम्मोहन के बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, हमने 2-4 दिन पहले जो है वीडियो डाला था, बीच में नहीं डाला था क्योंकि हम शादी के प्रोग्राम में थोड़ा बिजी थे, क्योंकि हमारे घर में शादी थी इसलिए हम नया वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब हम आपको बताना चाहेंगे, आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वह इतना बेहतरीन वीडियो है जो आज हम जिसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे आप समझ लीजिए किसी को खब्बीश लग जाता है, जिन लग जाता है, चुड़ैल लग जाती है तो परेशान करता है, लेकिन आप कहीं भी झाड़ फूँक के लिए जाते हैं, कोई भी तांत्रिक के पास जाते हैं, वहाँ पे उसका उपाय करवाते हैं, आराम मिलता है नहीं मिलता है दोनों कारण होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा जो है बताएंगे, एक ऐसी अमल बताएंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके प्रयोग से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधी को, किसी को भी आप अच्छी तरह से उसको जो है सुरक्षित रख सकते हैं। यह जो अमल है आज हम जो एक लेके आए हैं, हमने आज जो बनाया है, जो हमने एक यंत्र जो होता है यंत्र का, जिस यंत्र का आज हमने निर्माण किया है उस यंत्र को आपको बनाने की विधि बताएंगे, वह यंत्र किस प्रकार आपको बनाया जाए और उसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम उसका प्रयोग करने की विधि आपको बता देते हैं, फिर यंत्र हम आपको दिखा देंगे डिस्प्ले पे। तो यंत्र प्रयोग करने की विधि आपको बता देते हैं। आपको एक यंत्र हम बता रहे हैं, उस यंत्र को आपको जो है बनाना है। एक सफ़ेद जो है कागज़ पर यंत्र का निर्माण करना है, सफ़ेद कागज़ पर आपको एक लाइन से ऐसे यंत्र को आपको बनाते रहना है, ऐसे यंत्र को आपको एक लाइन से ऐसे लिखते हुए चले आना है। ये ऐसे पट्टी में, ऐसे हम यंत्र को दिखा देते हैं आपको, ऐसे यंत्र को एक लाइन में एक पट्टी में ऐसे लिखते आना है। फिर आपको करना क्या है, आपको रुई लेना है, रुई की बाती आप बनाते हैं, रुई की बाती बनाना है। रुई की बाती जो होती है, आपने दीपक जलाया है, दीपक जलाया है तो आपने रुई की, जब ऐसे आप बनाते हैं आप रुई का बना लीजिए, और जो हमने यंत्र जो आपको बताया है उसको एक कागज़ पे लिखना है एक पट्टी नुमा, और उसको उसी रुई जो होती है आपको कापूस जो होता है उसी में ऐसे ऐसे उसको भी बना देना है, बत्ती के माफी उसी में लपेट के आपको बनाना है। जब आप उसको लपेट के बना देंगे तो आपको करना क्या है, आपको उसको एक कड़ू का जो तेल होता है, राई का जो तेल होता है, उस राई के तेल में आपको उसको जलाना है, बत्ती बना के उसको जलाना है, आपको बत्ती बना के उसका प्रयोग करना है। अब आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे हमने यह यंत्र बनाया हुआ है, देखिए इस यंत्र को बनाया हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा यंत्र, और जब यंत्र ऐसे आप लिखेंगे तो यंत्र लिख के आपको बाती जो है, बाती जैसे बनाई जाती है उस बाती को आपको बनाना है। जब आप बाती बना लेंगे तो आपको माचिस से जलाना है। अब जलाना कैसे है, आप जो भी रोगी है, आपका जो सगा संबंधी है, जो परेशान है, आप उसको बैठा दीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहना के, नहा धुला के, उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कपड़े पहना के उसको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा दीजिए। अब जब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप बैठा देंगे उसको, फिर आपको राई जो होता है कड़ू का तेल,
उसको आपको वहाँ पे ऐसे दीपक रख देना है और बाती ऐसे जला देनी है उसके साइड करके, और उसमें वह जो हमने यंत्र का निर्माण किया उसी में आपको बाती में उसको ऐसे लपेट के उसको गिरो करके फिर उसमें अच्छी तरह से लपेट के जलाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, यह प्रयोग किया हुआ है, यह हम जो आपके लिए लेके आते हैं हमेशा यह प्रयोग किया हुआ है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे, जो भी आपका सगा संबंधी है, जो आपका परिवार में आपके नात रिश्तेदार में कोई भी है, वह जो है स्वस्थ हो जाता है और उसकी परेशानी जो है दूर होने लगती है। जो उसके शरीर पे कोई भी जिन्न या जिन्नात या कोई भी साया रहता है, जो बुरी आत्माएं होती हैं जो परेशान करती हैं इंसानों को, वह उसको छोड़ के जो है चली जाती हैं और नहीं तो जल जाती हैं। यह यंत्र इतना पावरफुल है, और आपको बता दें जब आप इसका प्रयोग करें तो थोड़ा सा मिठाई जो है, थोड़ा सा मिठाई अपने पास रखें, वहीं दीपक के पास जो है थोड़ा मिठाई रखें, पीर बाबा के नाम पे वहाँ पे थोड़ा सा मिठाई रखना है आपको। जब पीर बाबा के नाम पे आप वहाँ मिठाई रखेंगे, जब आपका कार्य पूरा हो जाए, आप वहाँ पे आधे घंटे रोगी को बैठाएं, आधा घंटा जब बीत जाता है पीर बाबा के नाम पे उस मिठाई को बच्चों में जो है आपको बांट देना है। जब आप उस मिठाई को बच्चों में बांट देंगे तो वो क्या होता है, एक नियाज फातिया जो होता है वह पूर्ण हो जाता है, और यह जो प्रयोग करेगा वह नहा धो के साफ सुथरा होके जो है यह प्रयोग करेगा, हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो यह प्रयोग करके आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और आप लोगों का प्यार बहुत हमको मिल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर जो है बहुत अच्छे हैं जो अपना प्यार देके हमको बहुत ही गर्व महसूस करा रहे हैं। तो आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो इसी के साथ हम जो है आज और भी कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दें, जिससे हम और भी वीडियो बनाएं और आप लोगों के बीच में लाएं, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। जय महाकाल, जय माता दी, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें।